तो हे गाइस, हाल ही में लॉन्च हुआ है Realme का Narzo 30 एंड Narzo 30 5G। इस डिवाइस में आप एंड कोई भी Realme के डिवाइस में आप iOS के जैसा नोटिफिकेशन बार को इनेबल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी Realme के डिवाइस में iOS के जैसा नोटिफिकेशन बार को इनेबल कर सकते हो। तो एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मजेदार टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में हर रोज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, हम हमारे सीधा हमारे स्क्रीन में आते हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसे वर्क करते हैं। एंड ये करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा जिसका नेम एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए गाइज, हम सीधा हमारे फोन के स्क्रीन में आते हैं। एंड गाइज, मैंने जो एप्लीकेशन बताया था आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। एंड उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको सिंपली ओपन कर देना पड़ेगा। एंड आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, मिस करोगे तो आपको ये करते प्रॉब्लम आएगी। तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आने के बाद आपको जो भी परमिशन मांगेगा आपको बहुत ही केयरफुली से सारे परमिशन को ग्रांट कर देना पड़ेगा। तो मैंने ये परमिशन दे दिया एंड आप देख सकते हो इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद उसका होम पेज आ गया। एंड आप देख सकते हो ऊपर में एक ऑप्शन है इनेबल का एंड डिसेबल का, आपको एट फर्स्ट देखना पड़ेगा वो इनेबल है या डिसेबल है। तो आप देख ही सकते हो वो एप्लीकेशन के अंदर वो इनेबल है एंड ये डिसेबल है, तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी इनेबल है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखने को मिलेगा, वो है साइज। तो आपको सिंपली साइज लिखा हुआ है इसके अंदर जाना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, साइज। मतलब आप नोटिफिकेशन बार को किधर से स्वाइप करके आप आई स्टाइल नोटिफिकेशन बार को पाना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे टॉप को ही सिलेक्ट करूँगा एंड टॉप को सिलेक्ट करने के बाद साइज को मीडियम पे ही रख देता हूँ। एंड ये करने के बाद आपको सिंपली बैक जाना पड़ेगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है iOS टाइप नोटिफिकेशन बार कैसे आता है। एंड और भी ज़्यादा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से पढ़ के इसको और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं आप अभी जो ऊपर वाला जो स्वाइप है उस पर स्वाइप करता हूँ तो एक और परमिशन मांगेगा, आपको सिंपली इस परमिशन को भी बहुत ही केयरफुली से ग्रांट कर देना पड़ेगा। तो मैंने इस परमिशन को भी ग्रांट कर दिया एंड ये करने के बाद मैं फिर से साइज में आ रहा हूँ एंड मैं इसको राइट साइड में कर देता हूँ, क्योंकि टॉप साइड में है तो मुझे नोटिफिकेशन आई स्टाइल नोटिफिकेशन बार स्वाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने राइट साइड में कर दिया था। आप देख ही सकते हो मैं राइट साइड से स्वाइप करता हूँ तो आई स्टाइल नोटिफिकेशन बार आ रहा है। तो मैं मेरा जो मेरा होम स्क्रीन है उसके अंदर भी जाके दिखाऊंगा, मतलब ऐप से बाहर निकल के दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। तो आप ही मैं ऐप के अंदर हूँ, मतलब राइट साइड से स्वाइप कर रहा हूँ तो जो आई स्टाइल नोटिफिकेशन बार है वो आ रहा है एंड मैं रिटर्न जा रहा हूँ एंड मैं होम स्क्रीन पे आ गया। आप देख ही सकते हो होम स्क्रीन पे आने के बाद भी मैंने राइट साइड से स्वाइप किया तो जो आई स्टाइल नोटिफिकेशन बार है वो आ गया। तो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज आपको दिखने को मिलेगा। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते, मेरे सारे सोशल हैंडल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।